स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में कनेर के फूल को देखना एक शुभ सपना माना जाता है, क्योंकि ये सपना उस इंसान के जीवन में चल रही परिस्थिति और भविष्य से जुड़े कई कीमती संकेत देता है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सपने में कनेर के फूल को देखने से जुड़े कुछ ऐसे कॉमन सपनों पर बात करेंगे जो एक इंसान देखता है, और अगर आपको इससे जुड़ा कोई अलग सपना दिखाई देता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप सपने में कनेर का फूल देखते हैं तो ये सपना इस और संकेत करता है कि जल्द ही आपको अपनी समृद्धि से जुड़ी कोई खबर मिलने वाली है, क्योंकि फूलों को प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए ये सपना आपके जीवन में आने वाले इस शुभ समाचार और इस समाचार से आने वाली आपके जीवन में खुशियों की ओर संकेत करता है। और अगर आप सपने में कनेर का फूल लगाते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके द्वारा अपने भविष्य में किए जाने वाले किसी प्रसिद्ध काम की ओर संकेत करता है। इसीलिए यदि आप अपने भविष्य से जुड़ी किसी योजना को बना रहे हैं तो उस पर अवश्य काम करें, क्योंकि यही योजना आपकी प्रसिद्धि का कारण बनने वाली है। बस अपना विश्वास और मेहनत को अटल बनाए रखें। और अगर आप सपने में कनेर का फूल तोड़ते हुए देखते हैं तो ये सपना इस ओर संकेत करता है कि आजकल आपका ध्यान परमात्मा को लेकर भटक रहा है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आप अपने परमात्मा, अपने इष्ट देवता पर कहीं ना कहीं पूरा भरोसा करने की जगह संदेह कर रहे हैं, जबकि आपका ऐसा व्यवहार आपको नकारात्मकता की ओर धकेलने का काम करेगा। इसीलिए इस सपने को एक सलाह के रूप में लें और खुद को इस विचार से दूर करने की कोशिश करें। और अगर आप सपने में कनेर का फूल तोड़कर भगवान जी को अर्पित करते हुए देखते हैं तो ये सपना आपको काफी अच्छा संकेत देता है, क्योंकि इस सपने के अनुसार भगवान शिव जी और विष्णु जी की आप पर कृपा बन चुकी है। जल्द ही आप खुद को आर्थिक मामलों में सफलता और अपने पारिवारिक रिश्तों में और भी अधिक मजबूती बढ़ते हुए देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये सपना ईश्वर की कृपा से आपका अध्यात्म की ओर बढ़ने वाला विश्वास की ओर भी संकेत करता है।